मेरे चंदन प्यारे, मेरी मंजू। मीना कुमारी का नाम फिर सुर्खियों में है। वजह है उनकी असल कहानी पर बॉलीवुड में दो फिल्में बनने की खबरें। मीना कुमारी और मरहूम निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही की लव स्टोरी पर अब कमाल अमरोही के ही पोते लाल अमरोही और संजय दत्त की भांजी सांची फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल होगा कमाल और मीना। बिलाल और सांची पति पत्नी हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा करेंगे। कमाल और मीना फिल्म बनाने की जानकारी दुनिया को संजय दत्त की इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से मिली। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, डियर सांची और बिलाल, नए वेंचर के लिए आपको शुभकामनाएं, ये सफल हो, संजय मामू का प्यार आप पर हमेशा रहेगा, ये फिल्म जरूर देखें। सांची संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त और अभिनेता कुमार गौरव की बेटी हैं। सांची और बिलाल की शादी 2014 में हुई, उस वक्त संजय दत्त जेल में थे। संजय दत्त ने जो वीडियो शेयर किया उसकी शुरुआत में कुछ पुरानी तस्वीरें, उर्दू में लिखे खत दिखते हैं। साथ ही मीना कुमारी कमाल अमरोही की आवाज सुनाई देती है। इस फिल्म को मीना कुमारी और कमाल अमरोही के खट्टे मीठे रिश्तों के आधार पर बुना जाएगा। बिलाल और सांची सारेगामा इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाएंगे। इसका म्यूजिक AR रहमान देंगे जबकि इरशाद कामिल गीत लिखेंगे। कमाल और मीना फिल्म की शूटिंग साल 2025 में शुरू होगी। इसके बाद 2026 में ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रोल बड़े पर्दे पर कौन से एक्टर्स निभाएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। इसकी कास्टिंग नवंबर में की जाएगी। पूरा अमरोही परिवार इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है। एक साल पहले जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ओर से अपने डायरेक्शन डेब्यू के तौर पर मीना कुमारी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की खबरें सामने आई थी। तब कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही की ओर से मनीष मल्होत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करने जैसी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन मनीष मल्होत्रा के इस प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस की आगे कोई रिपोर्ट नहीं आई। मीना कुमारी की असल जिंदगी के कुछ खास पहलुओं से आपको देशनामा इस स्टोरी में रूबरू कराने जा रहा है। बम्बई में 1 अगस्त 1933 को एक बच्ची ने मास्टर अल्लाह बख्श के घर जन्म लिया। पारसी थिएटर के लिए काम करने वाले अल्लाह बख्श हारमोनियम भी बजा लेते थे, लेकिन घर की माली हालत बहुत खस्ता थी। अल्लाह बख्श के पहले भी एक लड़की थी, दूसरी औलाद वो लड़का चाहते थे। दूसरी भी लड़की होने पर इतने खफा हुए कि बच्ची को कई सीढ़ियों पर छोड़ आए। माँ के हल्ला मचाने पर अल्लाह बख्श वापस वहीं गए जहाँ बच्ची को छोड़ा था। तब तक नवजात बच्ची को चींटियों ने काट काट कर भयाल कर दिया था। दुनिया में आते ही इस तरह मीना कुमारी के साथ ट्रेजेडी का साथ शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में जिसने फिल्मों में काम शुरू कर दिया। हालांकि तब ये बच्ची बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। उसकी भी ख्वाहिश थी कि और बच्चों की तरह स्कूल जाए, लेकिन उसकी घर में एक नहीं सुनी गई। काम की वजह से मीना कुमारी की पढ़ाई घर पर ही होम ट्यूशन से कराई गई। चाइल्ड एक्टर के तौर पर मीना कुमारी की पहली फिल्म लेदर फेस 1939 में रिलीज हुई। फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने इसके लिए 25 रुपए मेहनताना दिया। 1940 तक बेबी महजबीन बानो के तौर पर ही मीना कुमारी ने फिल्मों में काम किया। 1940 में रिलीज एक ही भूल फिल्म में विजय भट्ट ने बेबी महजबीन को बेबी मीना का नाम दिया। 1946 में रिलीज फिल्म बच्चों का खेल में मीना कुमारी को 13 साल की उम्र में ही हीरोइन बना दिया गया और उन्हें मीना कुमारी नाम मिला। मीना कुमारी ने फिर कई धार्मिक और पौराणिक फिल्मों में काम किया। 1952 में रिलीज फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को स्टार बना दिया। 1952 में ही एक फिल्म रिलीज हुई तमाशा, जिसमें मीना कुमारी के साथ देव आनंद और अशोक कुमार जैसे बड़े कलाकार स्टार कास्ट में थे। तमाशा की शूटिंग के दौरान ही 1951 में अशोक कुमार ने मीना कुमारी को निर्देशक कमाल अमरोही से इंट्रोड्यूस कराया। कमाल अमरोही के लिए ये पहली नजर में प्यार वाला मामला था। 1951 में एक और वाकया हुआ। मीना कुमारी महाबलेश्वर से मुंबई आ रही थी, तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मीना कुमारी को कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस एक्सीडेंट में उनके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली टूट गई। रिकवर होने के बाद भी ये उंगली मुड़ी रही।
इसे छुपाने के लिए मीना कुमारी फिल्मों में भी साड़ी के पल्ले या किसी और कपड़े का इस्तेमाल करती रही। अस्पताल में कमाल अमरोही रोज मीना कुमारी का हाल जानने आते रहे। यहीं से मीना कुमारी के दिल में भी कमाल अमरोही के लिए जगह बनी। दोनों ने फिर शादी का फैसला किया। मीना कुमारी के पिता अल्लाह बख्श किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि 19 साल की मीना कुमारी की शादी 34 साल के शख्स से हो, और वो भी जो दो दो निकाह पहले कर चुका हो। फिर मीना कुमारी ने बिना अपने घर वालों की मर्जी से ही 14 फरवरी 1952 को कमाल अमरोही के साथ निकाह कर लिया। शादी के 2 साल बाद ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने बड़े बजट की फिल्म पाकीजा बनाने का फैसला किया। पहले इस फिल्म में अशोक कुमार ही मीना के अपोजिट लीड रोल करने वाले थे, लेकिन फिल्म को कॉन्सेप्ट से रिलीज के बीच 2 दशक लग गए। ऐसे में अशोक कुमार उम्र दराज हो गए तो उनके रोल में राजकुमार आ गए। अशोक कुमार को साइड रोल में शिफ्ट कर दिया गया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का रिश्ता ज्यादा दिन अच्छा नहीं चल सका। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन तमाम तरह की बंदिशें भी लगा दी, जैसे शाम 6 बजे से पहले घर लौटना, मेकअप रूम में सिवाय मेकअप मैन के और किसी पुरुष के जाने की इजाजत न होना। कमाल अमरोही अपने खास आदमी से मीना कुमारी का पीछा भी कराया करते थे। मीना कुमारी का इन सब बातों से दम घुटने लगा और कमाल अमरोही से उनकी शादी 12 साल ही चल सकी। मीना कुमारी ने 1964 में कमाल अमरोही से तलाक ले लिया। इसी दौर में मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म मैं भी लड़की हूँ में काम किया। वैसे तो मीना कुमारी का नाम अशोक कुमार, गुलजार, सावन कुमार जैसी हस्तियों से भी जुड़ा, लेकिन सबसे करीबी रिश्ता उनका धर्मेंद्र से रहा माना जाता है। 1964 में शादी टूटने के तनाव में मीना कुमारी को नींद न आने की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने तब उन्हें सोने से पहले ब्रांडी लेने की सलाह दी। यहीं से मीना कुमारी को अल्कोहल की लत लग गई। यहां तक कि उनकी सेहत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया। मीना कुमारी को धर्मेंद्र के साथ उन दिनों इतना अच्छा लगने लगा कि फिल्मों में हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को लेने के लिए वो निर्माता निर्देशकों पर जोर डालने लगी। 1964 से 1968 तक मीना कुमारी ने 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें 6 में उनके साथ लीड रोल में धर्मेंद्र नजर आए। 1966 में मीना कुमारी और धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को हीमैन का टाइटल देने के साथ सुपरस्टार बना दिया। 1968 तक मीना कुमारी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड के अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया गया। उन्हें लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि रिकवर होने के फौरन बाद काम शुरू ना करें, लेकिन भारत लौटते ही उन्होंने फिल्मों के लिए शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। यहाँ तक कि पति कमाल अमरोही से तलाक के बाद उन्होंने जिस फिल्म पाकीजा की शूटिंग 5 साल से रोक रखी थी, उसके लिए भी 1969 में उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। पाकीजा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। मीना कुमारी का निधन फिल्म के रिलीज के करीब 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को हुआ। मीना कुमारी के फैंस ने फिर पाकीजा को ऐसे सिराकों पर बिठाया कि 1.25 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए। 38 साल की उम्र में इतनी दुश्वारियों से गुजरने के बाद मीना कुमारी की मौत पर उनकी पक्की सहेली और जानी मानी अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू मैगजीन में आर्टिकल लिखा, मौत मुबारक हो मीना, ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। देश ड्रामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देश ड्रामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।